ननकाना साहिब से आई नगर कीर्तन ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रवेश किया। इस दौरान गुरु नानक साहिब के वंशजों की नगरी में कई स्थानों पर हजारों श्रद्धालुओं ने कीर्तन के दर्शन किए। एक तरफा जहां श्रद्धालुओं ने दर्शन कर सुकून और प्रसन्नता व्यक्त की, वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने नगर कीर्तन में देरी के बावजूद प्रवक श्रद्धा का बाप बताया और संपूर्ण श्रद्धालुओं में श्री गुरु नानक देव के संदेश मन समावित होने की आशा व्यक्त की। ननकाना साहिब से आए नगर कीर्तन ने आज हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रवेश किया। इस दौरान गुरु नानक साहिब जी के वंशजों ने नगरी में कई स्थानों पर हजारों श्रद्धालुओं ने कीर्तन के दर्शन किए। एक तरफ जहां श्रद्धालुओं ने दर्शन कर सुकून और प्रसन्नता व्यक्त की, वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने नगर कीर्तन में देरी के बावजूद प्रखर श्रद्धा का बाप बताया और संपूर्ण श्रद्धालुओं में श्री गुरु नानक देव जी के संदेश मन समाहित होने की आशा व्यक्त की। मुझे अध्यात्मक तौर पर खुशी हो रही है कि वह व्यक्ति अज उस पावन पवित्र स्थान तो चल के आ रहे हैं जिते साडे बापू का जन्म होया और उस चरण धूड़ी चो असी अपनी भुल बख्शा के जो गुरु नानक के सच्चे सुचे सिद्धांत को दुनिया में साकार करने लिए वधीए, क्योंकि गुरु नानक ने सानू एक बहुत वड्डा सिद्धांत दिता से जो सिख की एक मोटो होनी चाहिए है, मन हाली किरसानी करनी, सरम पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस। अगर इस अनुसार असी अपनी जीवनी ढालेंगे ना तो असी गुरु नानक भी समझ सकेंगे कि दुनिया को भी समझा सकेंगे। तो एक खुशी है और मैं विशेष धन्यवाद है हिमाचल सरकार का, जिस सरकार ने इस नगर कीर्तन की अगवाई इस नगर कीर्तन के प्रबंध में पूर्ण सहयोग दिता है। खास करके ऊना जिले की एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत वड्डा सहयोग दिता है और मैं समझदा ये प्यार का वातावरण एक नवी खेड दुनिया में इस धरती तो कभी गई सी तो अज भी कितने ऐसा समा बने, क्योंकि अज दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है तो उस तो बचने लिए अज मैं समझदा कि गुरु नानक का संदेश और गुरु नानक का सिद्धांत ही अज दुनिया लिए सार्थक हो सकता है जिवें अज साडे विच विखरे हुए हैं।